और निर्णय लेने के बाद मुझे बहुत लोगों ने कहा, अरे क्या सचिन पायलट जी, आप पैदल चलना चाहते हो, 100-100 किलोमीटर चलना चाहते हो, मई का महीना है, आग बरस रही है। मैंने उनको कहा, राजनीति आग का दरिया है, इसे तैर कर पार करना पड़ेगा। हमारे और इसलिए मैं आप लोगों के बीच में आज यहां पर आया हूं, इस मिट्टी से, यहां के लोगों से, आप सब से एक ऐसा रिश्ता है जो दुनिया की कोई ताकत चाहे उस रिश्ते को कमजोर नहीं कर सकती। एक समर्पण का भाव, एक त्याग का भाव और आपसी जो मोहब्बत है वो आप लोगों के असीम आशीर्वाद की वजह से आज कायम है। मैं तो आप लोगों से आवेदन करना चाहता हूं, इस देश में, इस प्रदेश विश्वास कायम करना पड़ेगा। आज यहां अजमेर जो आरपीसी का ठिकाना है, पिछले कुछ समय में लगातार पेपर लीक हुए, लाखों बच्चों का भविष्य अंधकार की तरफ जा रहा है। बात सत्ता विपक्ष पार्टी दल विचारधारा की नहीं, बात नौजवानों के भविष्य की है। जब लाखों लाख बच्चों को लगे हमारा व्यवस्था में विश्वास कम हो रहा है, ऐसे लाखों लाख परिवार, ऐसे मां बाप जो दिहाड़ी करते हैं, किसानी करते हैं, दो बीघे में खेती करते हैं, अपना पेट काट के इतना पैसा बचाते हैं कि हमारा बच्चा ट्यूशन पढ़ ले, साल साल दो दो साल तैयारी करे, एग्जाम के पेपर लिखे और पेपर लीक हो जाए, पेपर कैंसिल हो जाए, कुछ बच्चे ओवरएज हो जाए, कुछ निराश हो जाए, उनकी उम्मीदें टूट जाए, ये हम लोगों को गवारा नहीं। मेरे ख्याल शायद पहली बार जब से भारत आजाद हुआ है तब से किसी आरपीएससी के सदस्य को गिरफ्तार करने की नौबत आई है, लेकिन गिरफ्तारी अधिकारी की हो गई, क्या ये काफी है? कौन कौन लोग इसके पीछे हैं? मैंने राजस्थान भर में जाके आवाज उठाई थी और मुझे कहा गया कि पेपर लीक में ना तो कोई अधिकारी इन्वॉल्व है, ना कोई नेता इन्वॉल्व है। अरे जांच पूरी हुई नहीं, जांच पूरी हुई नहीं, कोई कैसे कह सकता है कि कोई अधिकारी नेता इन्वॉल्व नहीं है? आज एक अधिकारी पकड़ा गया जेल में, किसी दलाल के जयपुर के किराए के मकान पे बुलडोजर चल सकता है? तो ये कटारा जो पकड़े गए हैं इस पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? अपनी आवाज उठाने के लिए, आपकी आवाज सुनने के लिए, जनता की आवाज बनने के लिए हम लोगों ने यात्रा निकाली है। जनसंघर्ष यात्रा किसी के विरोध में नहीं है, जनसंघर्ष यात्रा भ्रष्टाचार के विरोध में है, जनसंघर्ष यात्रा नौजवानों के संरक्षण के लिए है। हमारे बच्चे बच्चियां, हमारे बच्चे बच्चियां पढ़ लिख कर उन पदों पर बैठे जहां से नीतियां बनती हैं, ये सपना स्वर्गीय पायलट साहब का था। किसान का बच्चा, गरीब का बच्चा, मजदूर का बच्चा, दिहाड़ी करने वाला बच्चों, माँ बाप के बच्चे उन पदों पर बैठेंगे जहां से आरपीएससी की नीति बनती है, शिक्षा नीति बनती है, सरकार के नियम कानून बनते हैं, उन पदों पर वो नौजवान बच्चे बैठेंगे तो देश में सही नीतियां बनेंगी। मैं तो साथियों, क्योंकि यहां आपके बीच खड़ा हूं, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या नौजवानों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए हम लोग साथ नहीं आ सकते? क्या इस प्रदेश से भ्रष्टाचार करप्शन को मिटाने के लिए हम लोग साथ नहीं आ सकते? तो मेरे दोस्तों, माताएं बहनें बैठी हैं, मैं जानता हूं, रास्ता मुश्किल है,
गर्मी का समय है, इस प्रदेश की राजधानी जयपुर यहां से 125 किलोमीटर दूर है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, मेरे साथ इस करारी धूप में इस रास्ते को नापने के लिए आप तैयार हो कि नहीं तैयार? क्या बोला? मुझे आवाज नहीं आई। क्या आप लोग तैयार हो कि नहीं तैयार हो? दोनों हाथ खड़े कर बताओ, मुट्ठी बंद कर बताओ, मेरे साथ जोरदार नारा दो, भारत माता की, भारत माता की। आखिरी नारा, आसमान को भेद कर जवाब आनी चाहिए जयपुर तक, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। अब चलो मैं I have watched Kerala film today at my cabinet colleague and colleague from my party. The Kerala story reflects true story of certain innocent lady who has been used by the terrorists as their pawn. This film exposed terrorism in entire world and what going on inside the terrorist camp. In the name of jihad and in the name of religion, certain section of people globally are creating havoc in the minds of innocent. Kerala, as far as this film and whatever I have seen in social media, through real-time interview,
I must say that it is going through a toughest period, and people of Kerala, irrespective of religion, must raise their voice against the use of innocent girls by the terrorist organization. In Assam also, we do not have cases where girls have joined terrorism, but definitely there are cases where girls were indoctrinated and girls were motivated to convert their religions merely because of the fact that they used to love someone. Their loves are pure, but the intention of other sides are not pure. As such, I'd like to appeal everyone that please do not fall in the games. Be stand on your feet, protect your dharma, protect your civilization, so that you can lead a healthy life. And we all must denounce terrorism, whatever manner it may come before us. I'd like to appeal people of India to see Kerala story along with their family, particularly along with their girl child. This will be a big education for everyone, and I am sure that will lead to a healthy family life, secure social life. I once again compliment the producers of Kerala Story for producing such a film which will contribute immensely in saving our girl child from falling into the trap of terrorism and falling into the trap of conversion, which are not morally correct in my view. Moi Aji Kerala Story. हम सब लोग राजनीति में हैं और राजनीति में जनता सब जानती है. जनता सब जानती है. कुछ अखबार में छपे ना छपे, असलियत जनता जानती है. इसलिए इस राजस्थान के अंदर इस देश के अंदर हमारे समाज को जो दीमक की तरह खा रही है, वो भ्रष्टाचार की भूख खा रही है. नौजवानों, आने वाला भविष्य आप लोगों का है. एक ऐसे भारत का, एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहां भ्रष्टाचार मुक्त ये भारत और देश बने. मैं आप लोगों से आह्वान करना चाहता हूं. मैंने दो दिन पहले जयपुर में निर्णय लिया और निर्णय लेने के बाद मुझे बहुत लोगों ने कहा, अरे क्या सचिन पायलट जी, आप पैदल चलना चाहते हो, 100-100 किलोमीटर चलना चाहते हो, मई का महीना है, आग बरस रही है. मैंने उनको कहा, राजनीति आग का दरिया है, इसे तैर कर पार करना पड़ेगा. हमारे और इसलिए मैं आप लोगों के बीच में आज यहां पर आया हूं, इस मिट्टी से, यहां के लोगों से, आप सब से एक ऐसा रिश्ता है जो दुनिया की कोई ताकत चाहे उस रिश्ते को कमजोर नहीं कर सकती. एक समर्पण का भाव, एक त्याग का भाव और आपसी जो मोहब्बत है, वो आप लोगों के असीम आशीर्वाद की वजह से आज कायम है. मैं तो आप लोगों से आवेदन करना चाहता हूं, इस देश में, इस प्रदेश विश्वास कायम करना पड़ेगा.
आज यहाँ अजमेर जो आरपीसी का ठिकाना है, पिछले कुछ समय में लगातार पेपर लीक हुए, लाखों बच्चों का भविष्य अंधकार की तरफ जा रहा है। बात सत्ता विपक्ष पार्टी दल विचारधारा की नहीं, बात नौजवानों के भविष्य की है। जब लाखों लाख बच्चों को लगे हमारा व्यवस्था में विश्वास कम हो रहा है, ऐसे लाखों लाख परिवार, ऐसे मां बाप जो दिहाड़ी करते हैं, किसानी करते हैं, दो बीघे में खेती करते हैं, अपना पेट काट के इतना पैसा बचाते हैं कि हमारा बच्चा ट्यूशन पढ़ ले, साल साल दो दो साल तैयारी करे, एग्जाम के पेपर लिखे और पेपर लीक हो जाए, पेपर कैंसिल हो जाए, कुछ बच्चे ओवरएज हो जाएं, कुछ निराश हो जाएं, उनकी उम्मीदें टूट जाएं, ये हम लोगों को गवारा नहीं है। मेरे ख्याल शायद पहली बार जब से भारत आजाद हुआ है तब से किसी आरपीएससी के सदस्य को गिरफ्तार करने की नौबत आई है, लेकिन गिरफ्तारी अधिकारी की हो गई, क्या ये काफी है? कौन कौन लोग इसके पीछे हैं? मैंने राजस्थान भर में जाके आवाज उठाई थी और मुझे कहा गया कि पेपर लीक में ना तो कोई अधिकारी इन्वॉल्व है ना कोई नेता इन्वॉल्व है। अरे जांच पूरी हुई नहीं, जांच पूरी हुई नहीं, कोई कैसे कह सकता है कि कोई अधिकारी नेता इन्वॉल्व नहीं है? आज एक अधिकारी पकड़ा गया, जेल में, किसी दलाल के जयपुर के किराए के मकान पे बुलडोजर चल सकता है? तो ये कटारा जो पकड़े गए हैं इस पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? अपनी आवाज उठाने के लिए, आपकी आवाज सुनने के लिए, जनता की आवाज बनने के लिए हम लोगों ने यात्रा निकाली है। जनसंघर्ष यात्रा किसी के विरोध में नहीं है, जनसंघर्ष यात्रा भ्रष्टाचार के विरोध में है, जनसंघर्ष यात्रा नौजवानों के संरक्षण के लिए है। हमारे बच्चे बच्चियां, हमारे बच्चे बच्चियां पढ़ लिख कर उन पदों पर बैठे जहां से नीतियां बनती हैं, ये सपना स्वर्गीय पायलट साहब का था। किसान का बच्चा, गरीब का बच्चा, मजदूर का बच्चा, दिहाड़ी करने वाला बच्चों, माँ बाप के बच्चे उन पदों पर बैठेंगे जहां से आरपीएससी की नीति बनती है, शिक्षा नीति बनती है, सरकार के नियम कानून बनते हैं, उन पदों पर वो नौजवान बच्चे बैठेंगे तो देश में सही नीतियां बनेंगी। मैं तो साथियों, क्योंकि यहां आपके बीच खड़ा हूं, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या नौजवानों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए हम लोग साथ नहीं आ सकते? क्या इस प्रदेश से भ्रष्टाचार करप्शन को मिटाने के लिए हम लोग साथ नहीं आ सकते? तो मेरे दोस्तों, माताएं बहनें बैठी हैं, मैं जानता हूं रास्ता मुश्किल है, गर्मी का समय है, इस प्रदेश की राजधानी जयपुर यहां से 125 किलोमीटर दूर है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, मेरे साथ इस करारी धूप में इस रास्ते को नापने के लिए आप तैयार हो कि नहीं तैयार? क्या बोला? मुझे आवाज नहीं आई। क्या आप लोग तैयार हो कि नहीं तैयार हो? दोनों हाथ खड़े कर बताओ, मुट्ठी बंद कर बताओ, मेरे साथ जोरदार नारा दो, भारत माता की, भारत माता की। आखिरी नारा, आसमान को भेद कर जवाब आनी चाहिए जयपुर तक, भारत माता की। बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। अब चलो मेरे साथ। हम सब लोग राजनीति में हैं,
और राजनीति में जनता सब जानती है, जनता सब जानती है। कुछ अखबार में छपे ना छपे, असलियत जनता जानती है। इसलिए इस राजस्थान के अंदर इस देश के अंदर हमारे समाज को जो दीमक की तरह खा रही है वो भ्रष्टाचार की भूख खा रही है। नौजवानों, आने वाला भविष्य आप लोगों का है। एक ऐसे भारत का, एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहां भ्रष्टाचार मुक्त ये भारत और देश बने। मैं आप लोगों से आह्वान करना चाहता हूं। मैंने दो दिन पहले जयपुर में निर्णय लिया और निर्णय लेने के बाद मुझे बहुत लोगों ने कहा, अरे क्या सचिन पायलट जी, आप पैदल चलना चाहते हो, 100-100 किलोमीटर चलना चाहते हो, मई का महीना है, आग बरस रही है। मैंने उनको कहा, राजनीति आग का दरिया है, इसे तैर कर पार करना पड़ेगा। हमारे और इसलिए मैं आप लोगों के बीच में आज यहां पर आया हूं, इस मिट्टी से, यहां के लोगों से, आप सब से एक ऐसा रिश्ता है जो दुनिया की कोई ताकत चाहे उस रिश्ते को कमजोर नहीं कर सकती। एक समर्पण का भाव, एक त्याग का भाव और आपसी जो मोहब्बत है वो आप लोगों के असीम आशीर्वाद की वजह से आज कायम है। मैं तो आप लोगों से आवेदन करना चाहता हूं, इस देश में, इस प्रदेश विश्वास कायम करना पड़ेगा। आज यहां अजमेर जो आरपीसी का ठिकाना है, पिछले कुछ समय में लगातार पेपर लीक हुए, लाखों बच्चों का भविष्य अंधकार की तरफ जा रहा है। बात सत्ता विपक्ष पार्टी दल विचारधारा की नहीं, बात नौजवानों के भविष्य की है। जब लाखों लाख बच्चों को लगे हमारा व्यवस्था में विश्वास कम हो रहा है, ऐसे लाखों लाख परिवार, ऐसे मां बाप जो दिहाड़ी करते हैं, किसानी करते हैं, दो बीघे में खेती करते हैं, अपना पेट काट के इतना पैसा बचाते हैं कि हमारा बच्चा ट्यूशन पढ़ ले, साल साल दो दो साल तैयारी करे, एग्जाम के पेपर लिखे और पेपर लीक हो जाए, पेपर कैंसिल हो जाए, कुछ बच्चे ओवर एज हो जाए, कुछ निराश हो जाएं, उनकी उम्मीदें टूट जाएं, ये हम लोगों को गवारा नहीं। मेरे ख्याल शायद पहली बार जब से भारत आजाद हुआ है तब से किसी आरपीएससी के सदस्य को गिरफ्तार करने की नौबत आई है, लेकिन गिरफ्तारी अधिकारी की हो गई, क्या ये काफी है? कौन कौन लोग इसके पीछे हैं? मैंने राजस्थान भर में जाके आवाज उठाई थी और मुझे कहा गया कि पेपर लीक में ना तो कोई अधिकारी इन्वॉल्व है, ना कोई नेता इन्वॉल्व है। अरे जांच पूरी हुई नहीं, कोई कैसे कह सकता है कि कोई अधिकारी नेता इन्वॉल्व नहीं है? आज एक अधिकारी पकड़ा गया, जेल में, किसी दलाल के जयपुर के किराए के मकान पे बुलडोजर चल सकता है? तो ये कटारा जो पकड़े गए हैं इस पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? अपनी आवाज उठाने के लिए, आपकी आवाज सुनने के लिए, जनता की आवाज बनने के लिए हम लोगों ने यात्रा निकाली है। जनसंघर्ष यात्रा किसी के विरोध में नहीं है, जनसंघर्ष यात्रा भ्रष्टाचार के विरोध में है, जनसंघर्ष यात्रा
नौजवानों के संरक्षण के लिए है। हमारे बच्चे बच्चियां, हमारे बच्चे बच्चियां पढ़ लिख कर उन पदों पर बैठे जहां से नीतियां बनती हैं, ये सपना स्वर्गीय पायलट साहब का था। किसान का बच्चा, गरीब का बच्चा, मजदूर का बच्चा, दिहाड़ी करने वाला बच्चों, माँ बाप के बच्चे उन पदों पर बैठेंगे जहां से आरपीएससी की नीति बनती है, शिक्षा नीति बनती है, सरकार के नियम कानून बनते हैं, उन पदों पर वो नौजवान बच्चे बैठेंगे तो देश में सही नीतियां बनेंगी। मैं तो साथियों, क्योंकि यहां आपके बीच खड़ा हूं, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या नौजवानों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए हम लोग साथ नहीं आ सकते? क्या इस प्रदेश से भ्रष्टाचार करप्शन को मिटाने के लिए हम लोग साथ नहीं आ सकते? तो मेरे दोस्तों, माताएं बहनें बैठी हैं, मैं जानता हूं रास्ता मुश्किल है, गर्मी का समय है, इस प्रदेश की राजधानी जयपुर यहां से 125 किलोमीटर दूर है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, मेरे साथ इस करारी धूप में इस रास्ते को नापने के लिए आप तैयार हो कि नहीं तैयार? क्या बोला? मुझे आवाज नहीं आई। क्या आप लोग तैयार हो कि नहीं तैयार हो? दोनों हाथ खड़े कर बताओ, मुट्ठी बंद कर बताओ, मेरे साथ जोरदार नारा दो, भारत माता की, भारत माता की। आखिरी नारा, आसमान को भेद कर जवाब आनी चाहिए जयपुर तक, भारत माता की। बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। अब चलो मैं हम सब लोग राजनीति में हैं और राजनीति में जनता सब जानती है, जनता सब जानती है। कुछ अखबार में छपे ना छपे, असलियत जनता जानती है। इसलिए इस राजस्थान के अंदर इस देश के अंदर हमारे समाज को जो दीमक की तरह खा रही है, वो भ्रष्टाचार की भूख खा रही है। नौजवानों, आने वाला भविष्य आप लोगों का है। एक ऐसे भारत का, एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहां भ्रष्टाचार मुक्त ये भारत और देश बने। मैं आप लोगों से आह्वान करना चाहता हूं, मैंने 2 दिन पहले जयपुर में निर्णय लिया और निर्णय लेने के बाद मुझे बहुत लोगों ने कहा, अरे क्या सचिन पायलट जी, आप पैदल चलना चाहते हो, 100-100 किलोमीटर चलना चाहते हो, मई का महीना है, आग बरस रही है। मैंने उनको कहा, राजनीति आपका दरिया है, इसे तैर कर पार करना पड़ेगा। हमारे और इसलिए मैं आप लोगों के बीच में आज यहां पर आया हूं, इस मिट्टी से, यहां के लोगों से, आप सब से एक ऐसा रिश्ता है जो दुनिया की कोई ताकत चाहे उस रिश्ते को कमजोर नहीं कर सकती। एक समर्पण का भाव, एक त्याग का भाव और आपसी जो मोहब्बत है, वो आप लोगों के असीम आशीर्वाद की वजह से आज कायम है। मैं तो आप लोगों से आवेदन करना चाहता हूं, इस देश में, इस प्रदेश
विश्वास कायम करना पड़ेगा। आज यहां अजमेर जो आरपीसी का ठिकाना है, पिछले कुछ समय में लगातार पेपर लीक हुए, लाखों बच्चों का भविष्य अंधकार की तरफ जा रहा है। बात सत्ता विपक्ष पार्टी दल विचारधारा की नहीं, बात नौजवानों के भविष्य की है। जब लाखों लाख बच्चों को लगे हमारा व्यवस्था में विश्वास कम हो रहा है, ऐसे लाखों लाख परिवार, ऐसे मां बाप जो दिहाड़ी करते हैं, किसानी करते हैं, दो बीघे में खेती करते हैं, अपना पेट काट के इतना पैसा बचाते हैं कि हमारा बच्चा ट्यूशन पढ़ ले, साल साल दो दो साल तैयारी करे, एग्जाम के पेपर लिखे और पेपर वीक हो जाए, पेपर कैंसिल हो जाए, कुछ बच्चे ओवरएज हो जाएं, कुछ निराश हो जाएं, उनकी उम्मीदें टूट जाएं, ये हम लोगों को गवारा नहीं। मेरे ख्याल शायद पहली बार जब से भारत आजाद हुआ है तब से किसी आरपीएससी के सदस्य को गिरफ्तार करने की नौबत आई है, लेकिन गिरफ्तारी अधिकारी की हो गई, क्या ये काफी है? कौन कौन लोग इसके पीछे हैं? मैंने राजस्थान भर में जाके आवाज उठाई थी और मुझे कहा गया कि पेपर लीक में ना तो कोई अधिकारी इन्वॉल्व है ना कोई नेता इन्वॉल्व है। अरे जांच पूरी हुई नहीं, जांच पूरी हुई नहीं, कोई कैसे कह सकता है कि कोई अधिकारी नेता इन्वॉल्व नहीं है? आज एक अधिकारी पकड़ा गया, जेल में, किसी दलाल के जयपुर के किराए के मकान पे बुलडोजर चल सकता है? तो ये कटारा जो पकड़े गए हैं इस पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? अपनी आवाज उठाने के लिए, आपकी आवाज सुनने के लिए, जनता की आवाज बनने के लिए हम लोगों ने यात्रा निकाली है। जनसंघर्ष यात्रा किसी के विरोध में नहीं है, जनसंघर्ष यात्रा भ्रष्टाचार के विरोध में है, जनसंघर्ष यात्रा नौजवानों के संरक्षण के लिए है। हमारे बच्चे बच्चियां पढ़ लिख कर उन पदों पर बैठे जहां से नीतियां बनती हैं, ये सपना स्वर्गीय पायलट साहब का था। किसान का बच्चा, गरीब का बच्चा, मजदूर का बच्चा, दिहाड़ी करने वाला बच्चों माँ बाप के बच्चे उन पदों पर बैठेंगे जहां से आरपीएससी की नीति बनती है, शिक्षा नीति बनती है, सरकार के नियम कानून बनते हैं, उन पदों पर वो नौजवान बच्चे बैठेंगे तो देश में सही नीतियां बनेंगी। मैं तो साथियों, क्योंकि यहां आपके बीच खड़ा हूं, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या नौजवानों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए हम लोग साथ नहीं आ सकते? क्या इस प्रदेश से भ्रष्टाचार करप्शन को मिटाने के लिए हम लोग साथ नहीं आ सकते? तो मेरे दोस्तों, माताएं बहनें बैठी हैं, मैं जानता हूं रास्ता मुश्किल है, गर्मी का समय है, इस प्रदेश की राजधानी जयपुर यहां से 125 किलोमीटर दूर है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, मेरे साथ इस करारी धूप में इस रास्ते को नापने के लिए आप तैयार हो कि नहीं तैयार? क्या बोला? मुझे आवाज नहीं आई। क्या आप लोग तैयार हो कि नहीं तैयार हो? दोनों हाथ खड़े कर बताओ, मुट्ठी बंद कर बताओ, मेरे साथ जोरदार नारा दो, भारत माता की। आखिरी नारा आसमान को भेद कर जवाब आनी चाहिए जयपुर तक, भारत माता की। धन्यवाद। राम राम साहब। अब चलो मेरे साथ। हम सब लोग राजनीति में हैं और राजनीति में जनता सब जानती है,
जनता सब जानती है, कुछ कुछ अखबार में छपे ना छपे असलियत जनता जानती है। इसलिए इस राजस्थान के अंदर इस देश के अंदर हमारे समाज को जो दीमक की तरह खा रही है वो भ्रष्टाचार की भूख खा रही है। नौजवानों, आने वाला भविष्य आप लोगों का है। एक ऐसे भारत का, एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहां भ्रष्टाचार मुक्त ये भारत और देश बने। मैं आप लोगों से आह्वान करना चाहता हूं, मैंने दो दिन पहले जयपुर में निर्णय लिया और निर्णय लेने के बाद मुझे बहुत लोगों ने कहा, अरे क्या सचिन पायलट जी, आप पैदल चलना चाहते हो, 100-100 किलोमीटर चलना चाहते हो, मई का महीना है, आग बरस रही है। मैंने उनको कहा, राजनीति आग का दरिया है, इसे तैर कर पार करना पड़ेगा। हमारे और इसलिए मैं आप लोगों के बीच में आज यहां पर आया हूं, इस मिट्टी से, यहां के लोगों से, आप सब से एक ऐसा रिश्ता है जो दुनिया की कोई ताकत चाहे उस रिश्ते को कमजोर नहीं कर सकती। एक समर्पण का भाव, एक त्याग का भाव और आपसी जो मोहब्बत है वो आप लोगों के असीम आशीर्वाद की वजह से आज कायम है। मैं तो आप लोगों से आवेदन करना चाहता हूं, इस देश में, इस प्रदेश विश्वास कायम करना पड़ेगा। आज यहां अजमेर जो आरपीसी का ठिकाना है, पिछले कुछ समय में लगातार पेपर लीक हुए, लाखों बच्चों का भविष्य अंधकार की तरफ जा रहा है। बात सत्ता विपक्ष पार्टी दल विचारधारा की नहीं, बात नौजवानों के भविष्य की है। जब लाखों लाख बच्चों को लगे हमारा व्यवस्था में विश्वास कम हो रहा है, ऐसे लाखों लाख परिवार, ऐसे मां बाप जो दिहाड़ी करते हैं, किसानी करते हैं, दो बीघे में खेती करते हैं, अपना पेट काट के इतना पैसा बचाते हैं कि हमारा बच्चा ट्यूशन पढ़ ले, साल साल दो दो साल तैयारी करे, एग्जाम के पेपर लिखे और पेपर लीक हो जाए, पेपर कैंसिल हो जाए, कुछ बच्चे ओवर एज हो जाए, कुछ निराश हो जाएं, उनकी उम्मीदें टूट जाएं, ये हम लोगों को गवारा नहीं। मेरे ख्याल शायद पहली बार जब से भारत आजाद हुआ है तब से किसी आरपीएससी के सदस्य को गिरफ्तार करने की नौबत आई, लेकिन गिरफ्तारी अधिकार की हो गई, क्या ये काफी है? कौन कौन लोग इसके पीछे हैं? मैंने राजस्थान भर में जाके आवाज उठाई थी और मुझे कहा गया कि पेपर लीक में ना तो कोई अधिकारी इन्वॉल्व है, ना कोई नेता इन्वॉल्व है। अरे जांच पूरी हुई नहीं, कोई कैसे कह सकता है कि कोई अधिकारी नेता इन्वॉल्व नहीं है? आज एक अधिकारी पकड़ा गया जेल में, किसी दलाल के जयपुर के किराए के मकान पे बुलडोजर चल सकता है? तो ये कटारा जो पकड़े गए हैं इस पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? अपनी आवाज उठाने के लिए, आपकी आवाज सुनने के लिए, जनता की आवाज बनने के लिए हम लोगों ने यात्रा निकाली है। जनसंघर्ष यात्रा किसी के विरोध में नहीं है, जनसंघर्ष यात्रा भ्रष्टाचार के विरोध में है, जनसंघर्ष यात्रा नौजवानों के संरक्षण के लिए है। हमारे बच्चे बच्चियां
हमारे बच्चे बच्चियां पढ़ लिख कर उन पदों पर बैठे जहां से नीतियां बनती हैं, ये सपना स्वर्गीय पायलट साहब का था। किसान का बच्चा, गरीब का बच्चा, मजदूर का बच्चा, दिहाड़ी करने वाला बच्चों, माँ बाप के बच्चे उन पदों पर बैठेंगे जहां से आरपीएससी की नीति बनती है, शिक्षा नीति बनती है, सरकार के नियम कानून बनते हैं, उन पदों पर वो नौजवान बच्चे बैठेंगे तो देश में सही नीतियां बनेंगी। मैं तो साथियों, क्योंकि यहां आपके बीच खड़ा हूं, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या नौजवानों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए हम लोग साथ नहीं आ सकते? क्या इस प्रदेश से भ्रष्टाचार करप्शन को मिटाने के लिए हम लोग साथ नहीं आ सकते? तो मेरे दोस्तों, माताएं बहनें बैठी हैं, मैं जानता हूं रास्ता मुश्किल है, गर्मी का समय है, इस प्रदेश की राजधानी जयपुर यहां से 125 किलोमीटर दूर है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, मेरे साथ इस करारी धूप में इस रास्ते को नापने के लिए आप तैयार हो कि नहीं तैयार? क्या बोला, मुझे आवाज नहीं आई, क्या आप लोग तैयार हो कि नहीं तैयार हो? दोनों हाथ खड़े कर बताओ, मुट्ठी बंद कर बताओ, मेरे साथ जोरदार नारा दो, भारत माता की, भारत माता की। आखिरी नारा आसमान को भेद कर जवाब आनी चाहिए जयपुर तक, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम साहब। अब चलो मैं हम सब लोग राजनीति में हैं।
और राजनीति में जनता सब जानती है, जनता सब जानती है। कुछ अखबार में छपे ना छपे, असलियत जनता जानती है। इसलिए इस राजस्थान के अंदर, इस देश के अंदर हमारे समाज को जो दीमक की तरह खा रही है, वो भ्रष्टाचार की भूख खा रही है। नौजवानों, आने वाला भविष्य आप लोगों का है। एक ऐसे भारत का, एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहां भ्रष्टाचार मुक्त ये भारत और देश बने। मैं आप लोगों से आह्वान करना चाहता हूं। मैंने दो दिन पहले जयपुर में निर्णय लिया और निर्णय लेने के बाद मुझे बहुत लोगों ने कहा, अरे क्या सचिन पायलट जी, आप पैदल चलना चाहते हो, 100-100 किलोमीटर चलना चाहते हो, मई का महीना है, आग बरस रही है। मैंने उनको कहा, राजनीति आग का दरिया है, इसे तैर कर पार करना पड़ेगा। हमारे और इसलिए मैं आप लोगों के बीच में आज यहां पर आया हूं, इस मिट्टी से, यहां के लोगों से, आप सबसे एक ऐसा रिश्ता है जो दुनिया की कोई ताकत चाहे उस रिश्ते को कमजोर नहीं कर सकती। एक समर्पण का भाव, एक त्याग का भाव, और आपसी जो मोहब्बत है वो आप लोगों के असीम आशीर्वाद की वजह से आज कायम। मैं तो आप लोगों से आवेदन करना चाहता हूं, इस देश में, इस प्रदेश कायम करना पड़ेगा। आज यहां मेरे जो आरपीएससी का ठिकाना है, पिछले कुछ समय में लगातार पेपर लीक हुए, लाखों बच्चों का भविष्य अंधकार की तरफ जा रहा है। बात सत्ता विपक्ष पार्टी दल विचारधारा की नहीं, बात नौजवानों के भविष्य की है। जब लाखों लाख बच्चों को लगे हमारा व्यवस्था में विश्वास कम हो रहा है, ऐसे लाखों लाख परिवार, ऐसे मां बाप जो दिहाड़ी करते हैं, किसानी करते हैं, दो बीघे में खेती करते हैं, अपना पेट काट के इतना पैसा बचाते हैं कि हमारा बच्चा ट्यूशन पढ़ ले, साल साल दो दो साल तैयारी करे, एग्जाम के पेपर लिखे और पेपर लीक हो जाए, पेपर कैंसिल हो जाए, कुछ बच्चे ओवर एज हो जाएं, कुछ निराश हो जाएं, उनकी उम्मीदें टूट जाएं, ये हम लोगों को गवारा नहीं। मेरे ख्याल शायद पहली बार जब से भारत आजाद हुआ है तब से किसी आरपीएससी के सदस्य को गिरफ्तार करने की नौबत आई है, लेकिन गिरफ्तारी अधिकारी की हो गई, क्या ये काफी है? कौन कौन लोग इसके पीछे हैं? मैंने राजस्थान भर में जाके आवाज उठाई थी और मुझे कहा गया कि पेपर लीक में
ना तो कोई अधिकारी इन्वॉल्व है, ना कोई नेता इन्वॉल्व है। अरे जांच पूरी हुई नहीं, जांच पूरी हुई नहीं, कोई कैसे कह सकता है कि कोई अधिकारी नेता इन्वॉल्व नहीं है। आज एक अधिकारी पकड़ा गया जेल में, किसी दलाल के जयपुर के किराए के मकान पे बुलडोजर चल सकता है? तो ये कटारा जो पकड़े गए हैं, इस पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? अपनी आवाज उठाने के लिए आपकी आवाज सुनने के लिए जनता की आवाज बनने के लिए हम लोगों ने यात्रा निकाली है। जन संघर्ष यात्रा किसी के विरोध में नहीं, जन संघर्ष यात्रा भ्रष्टाचार के विरोध में, जन संघर्ष यात्रा नौजवानों के संरक्षण के लिए है। हमारे बच्चे बच्चियां, हमारे बच्चे बच्चियां पढ़ लिखकर उन पदों पर बैठे जहां से नीतियां बनती है, ये सपना स्वर्गीय पाले साहब का था। किसान का बच्चा, गरीब का बच्चा, मजदूर का बच्चा, दिहाड़ी करने वाला बच्चों, माँ बाप के बच्चे उन पदों पर बैठेंगे जहां से आरपीएससी की नीति बनती है, शिक्षा नीति बनती है, सरकार के नियम कानून बनते हैं, उन पदों पर वो नौजवान बच्चे बैठेंगे तो देश में सही नीतियां बनेंगी। मैं तो साथियों को यहां के बीच खड़ा हूं, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या नौजवानों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए हम लोग साथ नहीं आ सकते? क्या इस प्रदेश से भ्रष्टाचार करप्शन को मिटाने के लिए हम लोग साथ नहीं आ सकते? तो मेरे दोस्तों, माताएं बहनें बैठी हैं, मैं जानता हूं रास्ता मुश्किल है, गर्मी का समय है, इस प्रदेश की राजधानी जयपुर यहां से 125 किलोमीटर दूर है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, मेरे साथ इस करारी धूप में, इस रास्ते को नापने के लिए आप तैयार हो के लिए तैयार? क्या बोला, मुझे आवाज नहीं आई? तैयार हो कि नहीं तैयार हो?
हम सब लोग राजनीति में हैं और राजनीति में जनता सब जानती है, जनता सब जानती है। कुछ अखबार में छपे ना छपे, असलियत जनता जानती है। इसलिए इस राजस्थान के अंदर इस देश के अंदर हमारे समाज को जो दीमक की तरह खा रही है वो भ्रष्टाचार की भूख खा रही है। नौजवानों, आने वाला भविष्य आप लोगों का है। एक ऐसे भारत का, एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहां भ्रष्टाचार मुक्त ये भारत और देश बने। मैं आप लोगों से आह्वान करना चाहता हूं। मैंने दो दिन पहले जयपुर में निर्णय लिया और निर्णय लेने के बाद मुझे बहुत लोगों ने कहा, अरे क्या सचिन पायलट जी, आप पैदल चलना चाहते हो, 100-100 किलोमीटर चलना चाहते हो, मई का महीना है, आग बरस रही है। मैंने उनको कहा, राजनीति आग का दरिया है, इसे तैर कर पार करना पड़ेगा। हमारे और इसलिए मैं आप लोगों के बीच में आज यहां पर आया हूं, इस मिट्टी से, यहां के लोगों से, आप सब से एक ऐसा रिश्ता है जो दुनिया की कोई ताकत चाहे उस रिश्ते को कमजोर नहीं कर सकती। एक समर्पण का भाव, एक त्याग का भाव और आपसी जो मोहब्बत है वो आप लोगों के असीम आशीर्वाद की वजह से आज कायम है। मैं तो आप लोगों से आवेदन करना चाहता हूं, इस देश में, इस प्रदेश विश्वास कायम करना पड़ेगा। आज यहां अजमेर जो आरपीसी का ठिकाना है, पिछले कुछ समय में लगातार पेपर लीक हुए, लाखों बच्चों का भविष्य अंधकार की तरफ जा रहा है। बात सत्ता विपक्ष पार्टी दल विचारधारा की नहीं, बात नौजवानों के भविष्य की है। जब लाखों लाख बच्चों को लगे हमारा व्यवस्था में विश्वास कम हो रहा है, ऐसे लाखों लाख परिवार, ऐसे मां बाप जो दिहाड़ी करते हैं, किसानी करते हैं, दो बीघे में खेती करते हैं, अपना पेट काट के इतना पैसा बचाते हैं कि हमारा बच्चा ट्यूशन पढ़ ले, साल साल दो दो साल तैयारी करे, एग्जाम के पेपर लिखे और पेपर लीक हो जाए, पेपर कैंसिल हो जाए, कुछ बच्चे ओवरएज हो जाए, कुछ निराश हो जाए, उनकी उम्मीदें टूट जाए, ये हम लोगों को गवारा नहीं। मेरे ख्याल शायद पहली बार जब से भारत आजाद हुआ है तब से किसी आरपीएससी के सदस्य को गिरफ्तार करने की नौबत आई है, लेकिन गिरफ्तारी अधिकारी की हो गई, क्या ये काफी है? कौन कौन लोग इसके पीछे हैं? मैंने राजस्थान भर में जाके आवाज उठाई थी और मुझे कहा गया कि पेपर लीक में ना तो कोई अधिकारी इन्वॉल्व है, ना कोई नेता इन्वॉल्व है। अरे जांच पूरी हुई नहीं, कोई कैसे कह सकता है कि कोई अधिकारी नेता इन्वॉल्व नहीं है? आज एक अधिकारी पकड़ा गया, जेल में, किसी दलाल के जयपुर के किराए के मकान पे बुलडोजर चल सकता है? तो ये कटारा जो पकड़े गए हैं इस पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? अपनी आवाज उठाने के लिए, आपकी आवाज सुनने के लिए, जनता की आवाज बनने के लिए हम लोगों ने यात्रा निकाली है। जनसंघर्ष यात्रा किसी के विरोध में नहीं है, जनसंघर्ष यात्रा भ्रष्टाचार के विरोध में है,
जनसंघर्ष यात्रा नौजवानों के संरक्षण के लिए है। हमारे बच्चे बच्चियां पढ़ लिख कर उन पदों पर बैठे जहां से नीतियां बनती हैं, ये सपना स्वर्गीय पाले साहब का था। किसान का बच्चा, गरीब का बच्चा, मजदूर का बच्चा, दिहाड़ी करने वाला बच्चों माँ बाप के बच्चे उन पदों पर बैठेंगे जहां से आरपीएससी की नीति बनती है, शिक्षा नीति बनती है, सरकार के नियम कानून बनते हैं, उन पदों पर वो नौजवान बच्चे बैठेंगे तो देश में सही नीतियां बनेंगी। मैं तो साथियों, क्योंकि यहां आपके बीच खड़ा हूं, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या नौजवानों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए हम लोग साथ नहीं आ सकते? क्या इस प्रदेश से भ्रष्टाचार करप्शन को मिटाने के लिए हम लोग साथ नहीं आ सकते? तो मेरे दोस्तों, माताएं बहनें बैठी हैं, मैं जानता हूं रास्ता मुश्किल है, गर्मी का समय है, इस प्रदेश की राजधानी जयपुर यहां से 125 किलोमीटर दूर है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, मेरे साथ इस करारी धूप में इस रास्ते को नापने के लिए आप तैयार हो कि नहीं तैयार? क्या बोला, मुझे आवाज नहीं आई? क्या आप लोग तैयार हो कि नहीं तैयार हो? दोनों हाथ खड़े कर बताओ, मुट्ठी बंद कर बताओ, मेरे साथ जोरदार नारा दो, भारत माता की, भारत माता की। आखिरी नारा, आसमान को भेद कर जवाब आनी चाहिए जयपुर तक, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। अब चलो मेरे साथ। Thank you.
हम सब लोग राजनीति में हैं और राजनीति में जनता सब जानती है, जनता सब जानती है। कुछ अखबार में छपे ना छपे असलियत जनता जानती है। इसलिए इस राजस्थान के अंदर इस देश के अंदर हमारे समाज को जो दीमक की तरह खा रही है वो भ्रष्टाचार की भूख खा रही है। नौजवानों, आने वाला भविष्य आप लोगों का है। एक ऐसे भारत का, एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहां भ्रष्टाचार मुक्त ये भारत और देश बने। मैं आप लोगों से आह्वान करना चाहता हूं। मैंने दो दिन पहले जयपुर में निर्णय लिया और निर्णय लेने के बाद मुझे बहुत लोगों ने कहा, अरे क्या सचिन पायलट जी, आप पैदल चलना चाहते हो, 100-100 किलोमीटर चलना चाहते हो, मई का महीना है, आग बरस रही है। मैंने उनको कहा, राजनीति आग का दरिया है, इसे तैर कर पार करना पड़ेगा। हमारे और इसलिए मैं आप लोगों के बीच में आज यहां पर आया हूं, इस मिट्टी से, यहां के लोगों से, आप सब से एक ऐसा रिश्ता है जो दुनिया की कोई ताकत चाहे उस रिश्ते को कमजोर नहीं कर सकती। एक समर्पण का भाव, एक त्याग का भाव और आपसी जो मोहब्बत है वो आप लोगों के असीम आशीर्वाद की वजह से आज कायम है। मैं तो आप लोगों से आवेदन करना चाहता हूं, इस देश में, इस प्रदेश विश्वास कायम करना पड़ेगा। आज यहां अजमेर जो आरपीसी का ठिकाना है, पिछले कुछ समय में लगातार पेपर लीक हुए, लाखों बच्चों का भविष्य अंधकार की तरफ जा रहा है। बात सत्ता विपक्ष पार्टी दल विचारधारा की नहीं, बात नौजवानों के भविष्य की है। जब लाखों लाख बच्चों को लगे हमारा व्यवस्था में विश्वास कम हो रहा है, ऐसे लाखों लाख परिवार, ऐसे मां बाप जो दिहाड़ी करते हैं, किसानी करते हैं, दो बीघे में खेती करते हैं, अपना पेट काट के इतना पैसा बचाते हैं कि हमारा बच्चा ट्यूशन पढ़ ले, साल साल दो दो साल तैयारी करे, एग्जाम के पेपर लिखे और पेपर लीक हो जाए, पेपर कैंसिल हो जाए, कुछ बच्चे ओवरएज हो जाए, कुछ निराश हो जाए, उनकी उम्मीदें टूट जाए, ये हम लोगों को गवारा नहीं। मेरे ख्याल शायद पहली बार जब से भारत आजाद हुआ है तब से किसी आरपीएससी के सदस्य को गिरफ्तार करने की नौबत आई है, लेकिन गिरफ्तारी अधिकारी की हो गई, क्या ये काफी है? कौन कौन लोग इसके पीछे हैं? मैंने राजस्थान भर में जाके आवाज उठाई थी और मुझे कहा गया कि पेपर लीक में ना तो कोई अधिकारी इन्वॉल्व है, ना कोई नेता इन्वॉल्व है। अरे जांच पूरी हुई नहीं, कोई कैसे कह सकता है कि कोई अधिकारी नेता इन्वॉल्व नहीं है? आज एक अधिकारी पकड़ा गया, जेल में, किसी दलाल के जयपुर के किराए के मकान पे बुलडोजर चल सकता है? तो ये कटारा जो पकड़े गए हैं इस पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? अपनी आवाज उठाने के लिए, आपकी आवाज सुनने के लिए, जनता की आवाज बनने के लिए हम लोगों ने यात्रा निकाली है। जनसंघर्ष यात्रा किसी के विरोध में नहीं है, जनसंघर्ष यात्रा भ्रष्टाचार के विरोध में है,
जनसंघर्ष यात्रा नौजवानों के संरक्षण के लिए है। हमारे बच्चे बच्चियां पढ़ लिख कर उन पदों पर बैठे जहां से नीतियां बनती हैं, ये सपना स्वर्गीय पाले साहब का था। किसान का बच्चा, गरीब का बच्चा, मजदूर का बच्चा, दिहाड़ी करने वाला बच्चों माँ बाप के बच्चे उन पदों पर बैठेंगे जहां से आरपीएससी की नीति बनती है, शिक्षा नीति बनती है, सरकार के नियम कानून बनते हैं, उन पदों पर वो नौजवान बच्चे बैठेंगे तो देश में सही नीतियां बनेंगी। मैं तो साथियों, क्योंकि यहां आपके बीच खड़ा हूं, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या नौजवानों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए हम लोग साथ नहीं आ सकते? क्या इस प्रदेश से भ्रष्टाचार करप्शन को मिटाने के लिए हम लोग साथ नहीं आ सकते? तो मेरे दोस्तों, माताएं बहनें बैठी हैं, मैं जानता हूं रास्ता मुश्किल है, गर्मी का समय है, इस प्रदेश की राजधानी जयपुर यहां से 125 किलोमीटर दूर है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, मेरे साथ इस करारी धूप में इस रास्ते को नापने के लिए आप तैयार हो कि नहीं तैयार? क्या बोला, मुझे आवाज नहीं आई? क्या आप लोग तैयार हो कि नहीं तैयार हो? दोनों हाथ खड़े कर बताओ, मुट्ठी बंद कर बताओ, मेरे साथ जोरदार नारा दो, भारत माता की, भारत माता की। आखिरी नारा, आसमान को भेद कर जवाब आनी चाहिए जयपुर तक, भारत माता की। धन्यवाद। राम राम साहब। अब चलो मेरे साथ। Thank you.
हम सब लोग राजनीति में हैं और राजनीति में जनता सब जानती है, जनता सब जानती है। कुछ अखबार में छपे ना छपे, असलियत जनता जानती है। इसलिए इस राजस्थान के अंदर इस देश के अंदर हमारे समाज को जो दीमक की तरह खा रही है वो भ्रष्टाचार की भूख खा रही है। नौजवानों, आने वाला भविष्य आप लोगों का है। एक ऐसे भारत का, एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहां भ्रष्टाचार मुक्त ये भारत और देश बने। मैं आप लोगों से आह्वान करना चाहता हूं। मैंने दो दिन पहले जयपुर में निर्णय लिया और निर्णय लेने के बाद मुझे बहुत लोगों ने कहा, अरे क्या सचिन पायलट जी, आप पैदल चलना चाहते हो, 100-100 किलोमीटर चलना चाहते हो, मई का महीना है, आग बरस रही है। मैंने उनको कहा, राजनीति आग का दरिया है, इसे तैर कर पार करना पड़ेगा। हमारे और इसलिए मैं आप लोगों के बीच में आज यहां पर आया हूं, इस मिट्टी से, यहां के लोगों से, आप सब से एक ऐसा रिश्ता है जो दुनिया की कोई ताकत चाहे उस रिश्ते को कमजोर नहीं कर सकती। एक समर्पण का भाव, एक त्याग का भाव और आपसी जो मोहब्बत है वो आप लोगों के असीम आशीर्वाद की वजह से आज कायम है। मैं तो आप लोगों से आवेदन करना चाहता हूं, इस देश में, इस प्रदेश विश्वास कायम करना पड़ेगा। आज यहां अजमेर जो आरपीसी का ठिकाना है, पिछले कुछ समय में लगातार पेपर लीक हुए, लाखों बच्चों का भविष्य अंधकार की तरफ जा रहा है। बात सत्ता विपक्ष पार्टी दल विचारधारा की नहीं, बात नौजवानों के भविष्य की है। जब लाखों लाख बच्चों को लगे हमारा व्यवस्था में विश्वास कम हो रहा है, ऐसे लाखों लाख परिवार, ऐसे मां बाप जो दिहाड़ी करते हैं, किसानी करते हैं, दो बीघे में खेती करते हैं, अपना पेट काट के इतना पैसा बचाते हैं कि हमारा बच्चा ट्यूशन पढ़ ले, साल साल दो दो साल तैयारी करे, एग्जाम के पेपर लिखे और पेपर लीक हो जाए, पेपर कैंसिल हो जाए, कुछ बच्चे ओवर एज हो जाए, कुछ निराश हो जाएं, उनकी उम्मीदें टूट जाएं, ये हम लोगों को गवारा नहीं। मेरे ख्याल शायद पहली बार जब से भारत आजाद हुआ है तब से किसी आरपीएससी के सदस्य को गिरफ्तार करने की नौबत आई, लेकिन गिरफ्तारी अधिकारी की हो गई, क्या ये काफी है? कौन कौन लोग इसके पीछे हैं? मैंने राजस्थान भर में जाके आवाज उठाई थी और मुझे कहा गया कि पेपर लीक में ना तो कोई अधिकारी इन्वॉल्व है, ना कोई नेता इन्वॉल्व है। अरे जांच पूरी हुई नहीं, कोई कैसे कह सकता है कि कोई अधिकारी नेता इन्वॉल्व नहीं है? आज एक अधिकारी पकड़ा गया, जेल में, किसी दलाल के जयपुर के किराए के मकान पे बुलडोजर चल सकता है? तो ये कटारा जो पकड़े गए हैं इस पर